ओम शांति। संसार में कई लोग कहते हैं कि भाग्य हमारे हाथ में है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य प्राप्त होगा। परंतु कुछ लोग ये भी अनुभव करते हैं कि अनेक बार हम भाग्य के हाथ में होते हैं। हम चाहे कर्म कितने भी अच्छे करें, चाहे पुरुषार्थ कितना भी दृढ़तापूर्वक करें, परंतु सफलता हमें नहीं मिलती। तब लोग कहते हैं हमारा भाग्य हमें साथ नहीं दे रहा है। इस रहस्य को हम सभी जान लें कि संगम युग पर भाग्य और भाग्य विधाता हमारे हाथ में आ गए हैं। हमारा बाप ही भाग्य विधाता है, तो हमारे पास भाग्य की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा जन्म ही बहुत बड़े भाग्य के साथ शुरू हुआ है। जैसे किसी ने राजाई घर में जन्म लिया हो तो जन्मते ही लोग कहेंगे बड़ा भाग्यवान बच्चा है जिसने राज कुल में जन्म लिया। हमने जन्म लिया भाग्य विधाता के कुल में, हमने जन्म लिया भगवान के परिवार में। हमें जन्म देने वाले स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा और परमपिता शिव, तो हम कितने महान हो गए, हमारा भाग्य भी कितना महान हो गया। अब है कि संगम युग पर भाग्य विधाता और भाग्य हमारे हाथ में है, और शेष चारों युगों में हम भाग्य के हाथ में होंगे। यद्यपि द्वापर युग के बाद कर्म करके हम अपने नए भाग्य का निर्माण भी करेंगे। हमारा संगम युग का भाग्य दो युग की प्रारब्ध समाप्त होने के साथ ही पूर्ण हो जाएगा, परंतु द्वापर युग के बाद पुनः हम अपने भाग्य का निर्माण करेंगे कर्म के आधार पर। परंतु हमारे कर्मों का आधार भी, हमारे संस्कारों का आधार भी संगम युग ही होगा। इसमें हमने स्वयं को जितना महान बनाया है, जितना सर्वगुण संपन्न बनाया है, जितना शक्तिशाली बनाया है, जैसे डिवाइन संस्कार हमने स्वयं में धारण किए हैं, वे ही द्वापर युग से भी चलते रहेंगे। उस अनुसार हम द्वापर युग से अपना भाग्य पुनः निर्माण करते रहेंगे। तो मूल रूप से हम ये समझ लें, मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य के निर्माता हैं, उसके शेष संकल्प ही उसके भाग्य के निर्माता हैं। उसका दूसरों को सुख देना, परोपकार करना, कल्याण करना, दूसरों के काम आना, ये उसके श्रेष्ठ भाग्य के निर्माता हैं। तो आइए हम हर तरह से पूरा जोर लगाकर अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें। देखिए, दुनिया में एक परिवार को पालने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करता है। एक विद्यार्थी अच्छी एजुकेशन लेने के लिए और फिर अच्छी नौकरी पाने के लिए रात दिन एक किए रखता है, अपने सब शौक भी छोड़कर, अपने सब इंटरेस्टेड को एक तरफ रखकर लग जाता है धुन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सोच लें, थोड़े से समय के लिए अच्छा भाग्य पाने के लिए भी हम क्या क्या करते हैं, और 4000 वर्ष तक के लिए हमें महान भाग्य मिलने वाला है, हम क्या कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सतयुग त्रेता युग में तो हमें कमाना ही नहीं पड़ेगा, कमाने की कोई चिंता ही नहीं होगी, मौज से सब प्राप्तियां होंगी, प्रकृति सब कुछ स्वतः ही प्रदान कर देगी। तो जरा चिंतन कर लें, ऐसा महान भाग्य पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें कुछ महान लगन है कि हमें बाबा से सर्वस्व प्राप्त कर लेना है। अपने चारों सब्जेक्ट के द्वारा हम भाग्य बना सकते हैं, ज्ञान लेकर देकर, योग लगाकर और दूसरों को प्रभु से मिलाकर, श्रेष्ठ धारणाएं करके और यज्ञ सेवा के द्वारा। तो आइए आज सारा दिन हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करें। सवेरे शाम बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बैठ जाएं आप शांत में और फिर देखें मेरा फरिश्ता स्वरूप इस देह को यहीं छोड़कर आगे की ओर चलता है।
चला जाता है 50-100 फुट तक, हम देख रहे हैं। फिर वो फरिश्ता स्वरूप वापिस आता है, मुझ में प्रवेश कर लेता है, फिर निकल कर जाता है, फिर प्रवेश करता है। 5 बार बहुत अच्छी तरह ये ड्रिल करेंगे और अभ्यास करेंगे मुझ पर, फरिश्ते पर, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, बहुत लाइटनेस का अनुभव होगा, बहुत परमानंद की फीलिंग होगी। ओम शांति।